दोस्तों, हर कोई का एक सपना होता है कि खुद से कमाया जाए। हालांकि वो कमाई कितना भी कम हो, लेकिन उसका खुशी कुछ अलग ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैंने 23 दिसंबर 2016 में स्टार्ट किया था यूट्यूब एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरा एग्जाम्स क्लासेस बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं रेगुलर नई वीडियोज़ डाल पा रहा था। फिर भी मैं वीडियोज़ डालता गया, व्यूज़ आए या ना आए। अब तक मेरा 1.5 साल हो गया और 250 के आसपास वीडियोस हो गए हैं, और फिर जाके मेरा पेमेंट आने का टाइम हो गया है। हालांकि आ गया है, आपको बताने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट अर्निंग कैसा रहा और इस जर्नी में यूट्यूब में यहाँ तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे पीपल, वेलकम बैक। माय नेम इज भार्गव और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट यूट बीच। अगर आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स और इस टाइप के वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरी अर्निंग जो था $105.03 जो रुपीज़ में होकर आते हैं कम से कम ₹7,095। उसमें से कमीशन टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब मिला के 50 + 45 ₹95 आपका टैक्स लग जाता है। तो मान लीजिए ₹7,000 मेरा अर्निंग था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे 21 तारीख को आने वाला होता है पैसा, लेकिन बैंक वालों ये सब फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके आपको रुपीज़ में करना होता है, तो इसलिए 1-2 दिन टाइम ले लेता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूट्यूब पैसा भेजते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपके चैनल पे या तो आपके वेबसाइट पे एडसेंस इनेबल होना पड़ेगा, मतलब आपके वेबसाइट और वीडियोज़ पे एड शो होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तब समझिए कि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल है। इसका मतलब यह है कि आपके वीडियोस में ऐड आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है। जब भी आपका $100 हो जाएगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा एडसेंस पे कि आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए ताकि हम लोग आपको पैसा भेजें। तो इसके लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरना होता है, जो मैंने अर्लियर एक वीडियोज़ में बताया था कि हर एक डिटेल्स की क्या क्या भरना होता है और हर एक चीज़ आपको कहाँ मिलेगा। बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप वही वीडियो देख लीजिए, आई बटन में आया हुआ है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। बस ये सब करने के बाद आपको 21 तारीख को आना होता है, लेकिन 22 तक आ जाता है आपके अकाउंट में पैसा। अब बात यह है कि $1 अर्निंग में कितना टाइम लगता है। अगर आपको ये मन में डाउट हो रहा है तो देखो, सिंपली बात है, वीडियोस में जो ऐड आ रहे हैं उसका रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐड किस टाइप का ऐड है, अगर वो कॉस्टली ऐड है तब आपका अर्निंग थोड़ा जल्दी होगा, अगर वो चीप वाला ऐड है तो आपका अर्निंग बहुत ही कम होगा। लाइक कभी एक वीडियो में 1000 व्यूज़ में भी $1 हो सकता है, कभी 5000 व्यूज़ में भी $1 हो सकता है। तो ये डिपेंड है ऐड के ऊपर। अब अगर आप पूछो कि यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा 2016 23 दिसंबर से, तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, उस टाइम वीडियोज़ डाल तो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि कभी अर्निंग भी होगी। मतलब बस वीडियोज़ डाल रहा था, व्यूज़ चेक कर रहा था, सब्सक्राइबर कितना बढ़ रहा है चेक कर रहा था, बस इतना ही था। फिर मेरे को पता चला कि हाँ, अर्निंग होता है, थोड़ा मैंने एडसेंस लिंक किया। तो उस टाइम कोई रूल्स रेगुलेशन था नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 आवर वॉच टाइम चाहिए, सब कुछ नहीं था। तो सीधा डायरेक्टली मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, तो उसी से थोड़ा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया था। और जब एक नया पॉलिसी आ गया था कि 10,000 व्यूज़ चैनल पे होना चाहिए, तो मेरा वो भी क्रॉस हो गया था, तो मेरा मोनेटाइजेशन फिर से कोई मतलब उसमें रुकावट आया नहीं था। उसके बाद नया पॉलिसी आया कि 4000 आवर वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए एडसेंस इनेबल करने के लिए। तो वो भी मेरे जिस टाइम न्यूज़ आया, मतलब पॉलिसी आया, उसी टाइम मेरा ये सब कुछ ख़त्म हो गया था, मतलब क्रॉस कर गया था। तो मैं बस चलता गया और आज ऐसा हुआ कि अभी 1000 सब्सक्राइबर है और व्यूज़ भी आ गया 3.5 लाख के करीब। तो ये पहली बात तो ये है, मैंने पहले कार के रिव्यूज़ डाले थे जिससे मेरे को काफ़ी सारे व्यूज़ और वॉच टाइम मिला, और उसके बाद रेडमी नोट 5 प्रो ने मेरे को काफ़ी बूस्ट किया, जिसमें मैंने फ़ोन भी ख़रीदा था और उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स टिप्स भी बताया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वीडियोज़ बनाया था, जितने भी बनाया था सब कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, फालतू का कोई बकवास मैंने नहीं किया था। बस आप लोगों को यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मेरा ये हो सका है, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते तो ऐसा नहीं होता कभी भी, और आप लोग ही हो जो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करके रखो चैनल को। तो इसके लिए आपको ह्यूज थैंक्स। Redmi Note 5 Pro का जो MIUI 10 है, जो कि 7 जून को इंडिया में लॉन्च होने की उम्मीद है, मतलब आज, तो अगर ये हो जाए तो बहुत ही कमाल है, क्योंकि उसका मैं बीटा वर्जन भी इंस्टॉल करके आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे क्या करना होता है। हालांकि चाइनीज़ वर्जन पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन मन नहीं कर रहा था कि चाइनीज़ इंस्टॉल करूँ, क्योंकि 7 जून ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब आज आ गया है और
अभी अगर इंडियन वर्जन लॉन्च हो जाए तब तो मजा ही आ जाए। तो बस इसी के ऊपर एक अगला वाला वीडियोस होने वाला है और बहुत ही कुछ कमाल का इंटरेस्टिंग स्टफ आप लोगों के लिए आने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कमेंट करके बताओ कि आपको MIUI 10 कैसा लगा। मिलते हैं अगले कूल वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइन ऑफ।